चीजों के लिए वजू करना वाजिब है। पहली चीज नमाज वाजिब, वाजिब नमाजें जितनी भी है उनमें रोज की पांच नमाजें हैं, नमाज आयात है, नमाज खाने काबा है, नमाज तवाफ खाने काबा है, जो भी वाजिब नमाजें हैं या कदा नमाज जो वाजिब इंसान पढ़े या किसी की नमाज लेके पढ़े वाजिब, तो इन तमाम नमाजों के लिए वजू वाजिब है। लेकिन एक नमाज ऐसी है कि जिसके लिए वजू जरूरी नहीं है, वो नमाज मैयत है। दूसरा, अगर सजदा एक भूल जाए नमाज में या तशहुद भूल जाए तो बाद में उनकी कजा करने के लिए भी वजू जरूरी है, ये दो। तीसरा ये है कि जब इंसान वाजिब हज के लिए जाता है और खाने काबे का तवाफ करता है तो उस खाने काबे के तवाफ के लिए भी जो सात दफा है उसके लिए वजू जरूरी है, तहारत जरूरी है, वाजिब है। नंबर चार, अगर इंसान वजू करने की मन्नत मानता है कि मेरा ये काम होगा तो खुदा के लिए ये वजू करूंगा, या खुदा से अहद करता है या कसम खाता है, तो इन तीनों सूरतों में जैसी कसम है, जैसी मन्नत और अहद है, उसी के मुताबिक उसको वजू करना पड़ेगा। पांचवा यह है कि अगर इंसान ये मन्नत माने कि मैं अपने जिस्म को कुरान के हरूफ से मस करूंगा, छूंगा अपने कुरान के हरूफ को, तो कुरान के हरूफ को बगैर वजू नहीं छू सकते, तो वजू करना वाजिब है, उसके बाद वो अपनी मन्नत पूरी करे कुरान के हरूफ को छू कर। या इसी तरह अंबिया के नामों को छूने के लिए भी वजू जरूरी है, इमामों के नामों को भी छूने के लिए वजू जरूरी है, इनके बगैर हम नहीं छू सकते। ये पांच है। और छठी चीज ये है कि अगर कुरान नजिस हो जाए तो उस नजिस कुरान को पाक करने के लिए वजू जरूरी है, क्योंकि पाक करते वक्त हरूफ को हाथ लग सकता है, ये सूरत में कि कुरान की ज्यादा तोहीन न होती हो। तो ये छह मकामात है, छह चीजें हैं, इनके लिए वजू करना वाजिब है। इनके अलावा जब भी हम वजू करेंगे मुस्ताहब की नियत से करेंगे। सात चीजें वजू को बातिल करती है, इनके अलावा और कोई चीज वजू को बातिल नहीं कर सकती। पहली चीज, वजू के बाद पेशाब करें तो वजू बातिल हो जाएगा। दूसरी चीज, वजू के बाद इंसान पाखाना कर ले तो वजू बातिल हो जाएगा। तीसरी चीज, वजू के बाद हवा खारिज हो जाए तो वजू बातिल हो जाएगा। चौथी चीज ये है कि गहरी नींद आ जाए, ऐसी नींद कि जिसकी वजह से इंसान न देख सकता है न सुन सकता है, तो वजू बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी नींद है जो हल्की नींद कहते हैं या ऊंघ कहते हैं कि वो देख भी रहा होता है और सुन रहा होता है या इनमें से एक है, तो उसका वजू बातिल नहीं होता। पांचवी चीज ये है कि कोई ऐसा काम कर ले जिसकी वजह से उसकी अकल जाहिल हो जाए, सोचने के काबिल न रहे, तो उसका वजू बातिल हो जाता है। मसलन शराब पी के मस्त हो जाए या बेहोश हो जाए या पागल हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, ठीक है, दिमागी तवाजुन खराब हो जाए, तो फिर उसका वजू बातिल हो जाता है, क्योंकि वजू का ताल्लुक, वाजिबात का ताल्लुक इंसान की अकल से है, अकल नहीं है तो फिर ये भी नहीं है। छठी चीज जो है ये सिर्फ मस्तूरात के लिए है, औरतों के लिए है, वजू के बाद अगर खून इस्तिहाजा आ जाए तो उनका वजू बातिल होता है, नमाज के लिए दोबारा वजू करना पड़ता है या जो इस्तिहाजे के अहकाम है उस पर अमल करना पड़ेगा। और सातवां यह है कि कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से गुस्ल जिनाबत वाजिब हो जाए, वजू के बाद इंसान अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले या उसको एहतराम हो जाए या कोई ऐसा काम हो जाए जिससे मनी खारिज हो जाए,
तो फिर वजू उसका बातिल हो जाता है। उसके बाद उसके उनको वजू नहीं गुस्ल करना पड़ेगा उस जनाबत, और उस जनाबत के बाद वजू नहीं होता, उसी पे नमाज हम पढ़ सकते हैं। यहां तक कल का दरस्ता जो मैंने मुख्तसर आपको बताया। अब एक और वजू है, एक तो यही वजू जो मैंने बताया, एक है वजू जबीरा। और ये वजू जबीरा अक्सर लोग नहीं जानते, कुछ लोग शायद जानते हैं, अक्सर लोग नहीं जानते। तो आपको इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो वजू जबीरा क्या है और कब करना है। जबीरा अरबी में उस जख्म को कहते हैं जहां पे पट्टी बंधी हुई है या दवाई लगी हुई है, ठीक है, उस जख्म को जबीरा कहते हैं। अब अगर आपके आजाए वजू पर, छह आजाए वजू में बताए हैं, चेहरा है, दोनों हाथ है, सर है और दोनों पांव है जहां मसा करते हैं, इनमें से किसी जगह कोई दाना निकला हुआ है जो जख्म की सूरत में है, पीप निकल रही है, या वहां पे कोई चोट आई है, जख्म है। अब कभी ऐसा होता है कि जख्म के लिए पानी मुजर है कि पानी उस तक नहीं पहुंचना चाहिए, अगर पहुंच जाए तो जख्म खराब हो जाता है। तो अब उसके ऊपर या तो सिर्फ दवाई लगी हुई है या दवाई के अलावा पट्टी भी बंधी हुई है उसके ऊपर, कोई या पलस्तर है या पट्टी है जो भी है, या टेप लगी हुई है उसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है, उसको जबीरा कहते हैं। अब जब जबीरा हो आपके आजाए वजू पर तो उसकी कई सूरतें हैं, तकरीबन दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि जख्म खुला है, जख्म जो है उसके ऊपर पट्टी नहीं है, जख्म खुला है। अब यहां जख्म खुला होने की सूरत में दो सूरतें, एक सूरत यह है कि जख्म के लिए पानी नुकसानदेह नहीं है, पानी पड़ जाए कोई बात नहीं, तो आप ऐसे ही वजू करेंगे जैसे आम हालत में वजू करते हैं, पानी डाल के वजू कर लेंगे, जख्म के ऊपर पानी पड़ जाए कोई बात नहीं क्योंकि मुझे नहीं, ये एक सूरत। दूसरी सूरत यह है कि जख्म तो खुला है, वह उसके ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन पानी उसके लिए मुजर है, पानी नुकसानदेह। अब उस सूरत में क्या करेंगे, उस सूरत में या तो उसके ऊपर अगर वो पाक है तो इस सूरत में सिर्फ गीला हाथ ऊपर से फेर देंगे, वजू हो जाएगा, बाकी जगहों पर पानी डालेंगे और उस जगह पर मसलन यहां पर जख्म है, इधर जख्म है तो इधर उधर पानी डालेंगे, यहां पर गीला हाथ को यूं फेरेंगे तो मसा हो जाएगा, यानी वजू हो जाएगा। लेकिन अगर ये जगह नजिस है, जख्म जो है नजिस है, तो आप गीला हाथ उस पर फेरेंगे तो हाथ भी नजिस हो जाएगा, बाकी जगह भी नजिस हो जाएगी। इस सूरत में उस जगह पर पाक कपड़ा रखेंगे, जितना जख्म है उसी हिसाब से कपड़ा रख के उस पर गीला हाथ को यूं फेरेंगे तो वजू हो जाएगा, ठीक है। ये एक सूरत। लेकिन एक दफा ऐसा है कि ये दोनों के आजा पर अगर जबीरा या जख्म होने की सूरत में, अभी ये जख्म कहां पर है, जहां हम मसा करते हैं वहां पर है, सर पर है या दोनों पांव पर है। अब यहां भी क्या करेंगे, यहां भी अगर पाक है ऊपर से मसा कर लेंगे, पाक ना हो तो फिर उस पर कपड़ा रख के ऊपर से मसा कर लेंगे। जब कपड़ा रख के उसके ऊपर मसा करेंगे तो फिर यहां पे क्या होगा, यहां पे वजू या जबीरा भी होगा और बाद में एक तयम्मुम भी कर लेना चाहिए ताकि उसकी नमाज जो है बाद में सही हो जाए। आजाए वजू पर हो तो ऊपर से आप करेंगे काफी हो जाएगा, आजाए मसा पर हो तो वहां पर कपड़ा रखने की सूरत में बाद में एक तयम्मुम भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये सूरत में कि कपड़ा रख के हम मसा कर सकते हैं, लेकिन अगर कपड़ा रख के ना कर सके तो फिर क्या करें, कपड़ा रख कर भी हम मसा नहीं कर सकते, ना पांव पर ना सर पर। इस सूरत में बगैर मसा के एक वजू करेंगे और उसके बाद एक तयम्मुम भी करेंगे, इन दोनों के बाद फिर इंसान नमाज पढ़ेगा। ये पहली सूरत। ये कई सूरतें बनी है जब जख्म खुला हो उसके ऊपर कोई चीज ना। दूसरी सूरत यह है कि जख्म पर पट्टी बंधी हुई है, दवाई लगी हुई है, अब क्या करें। अब यहां पर भी दो सूरतें कि जख्म को हम पट्टी को खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। अब अगर खोल सकते हैं तो यहां पर भी दो सूरतें, पानी उसके लिए मुजिर है या मुजिर नहीं है। अगर पानी मुजिर नहीं है तो उसको खोल के हम वजू करेंगे जैसे हम हालत में वजू करते हैं। अगर पानी मुजिर है तो फिर ऊपर से गीला हाथ तो करेंगे जख्म पाक होने की सूरत में, अगर वो पाक नहीं है तो पाक कपड़ा रख के ऊपर गीला हाथ फेरेंगे तो वजू हो जाएगा, ये खोल सकने की जरूरत नहीं। लेकिन एक दफा ऐसा है कि हम पट्टी को नहीं खोल सकते, पट्टी खोलेंगे जख्म खराब हो जाएगा, हवा लगेगी तो फिर वो और खराब हो जाता है। इस सूरत में फिर दो सूरतें, पट्टी पाक है या नजिस,
अगर पट्टी पाक है उसी पट्टी के ऊपर से गीला हाथ यूं करेंगे तो वजू हो जाएगा। अगर पट्टी नजिस है तो उसके ऊपर पाक कपड़ा रख के गीले हाथ को उसके ऊपर से फेरेंगे तो फिर क्या होगा, वजू होगा। तो ये इसको कहते हैं वजू ए जबीरा। ये आम हालत में गर्मियों में जब दाने निकलते हैं या कभी जख्म आ जाता है या कभी चोट आती है तो फिर सूरत में पानी उसके लिए मुजूर है। फिर खसूस बरसात में पानी नुकसानदेह है, तो बरसात में जब किसी को दाना निकले या जख्म लग जाए चोट लग जाए तो उसको वजू जबीरा करना पड़ता है। इसलिए ये मसाइल आप ज़हन में रखें। ये जिस तरह वजू के लिए वजू जबीरा है, गुस्ल के लिए भी वजू जबीरा है। वजू के तो आज़ा अच्छे हैं, दोनों हाथ है, चेहरा है, दोनों पांव है, सर है, ये छह आजा है। इन पर अगर कोई दम हो, लेकिन इनके अलावा पेट पर है, पीठ पर है, रांस पर है, टांगों पर है, जब क्या तो गुस्ल करना है, अब क्या करें, पानी उसके लिए मुश्किल है, तो यहां पर भी गुस्ल जबीरा होगा। अगर वो जगह पाक है तो ऊपर से गीला हाथ को फेर देंगे उस गुस्ल हो जाएगा। अगर वो जगह नजिस है तो उसके ऊपर कपड़ा रख के ऊपर से गीले हाथ को फेरेंगे, बाकी हिस्सों को धोएंगे तो फिर गुस्ल हो जाएगा। ये गुस्ल जबीरा है। इसी तरह तयम्मुम में जबीरा भी है। तयम्मुम में जबीरा, तयम्मुम सिर्फ ये हाथ, दोनों हाथों के पुश्त और पेशानी पे तयम्मुम होता है। अब इनमें से किसी एक जगह पर जख्म है, आप ऊपर हाथ के नहीं रख सकते क्योंकि वहां पे पीप नहीं कर रही है या वहां से खून निकल रहा है, तो क्या करेंगे, वहां पर भी पाक कपड़ा रख के ऊपर से हाथ को फेरेंगे, तयम्मुम हो जाएगा। तो वुजू जबीरा, गुस्ल जबीरा और तयम्मुम में जबीरा, ये तीनों जब आपके आजाए वजू या आजाए गुस्ल पर जख्म होने की सूरत में आप जबीरा करेंगे जबकि पानी उसके लिए मुजिर हो। तो ये चंद मसाइल। Allah, Allah, Jalla Allah, yeah.